भाई इस्लामुद्दीन खार और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के शाहीन बाग में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आज यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रही हैं महिलाएं, ये प्रोटेस्ट का जो है 10वां दिन यहाँ पर है और अब तक जो है यहाँ पर कई जो है जानी मानी हस्तियाँ जो है इस प्रोटेस्ट में आकर यहाँ जो है महिलाओं का जो है हौसला अफजाई करके यहाँ से जा चुके हैं। और आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से ये महिलाएं रात और दिन जो है यहीं पर गुजारती हैं, इसी तरह से रात और दिन जो है इसी तरह का यहाँ पर जो है मुंब्रा शाहीन बाग में जो है महिलाओं का यहाँ प्रोटेस्ट जो है जारी रहता है। बच्चों के साथ जो है महिलाएँ तमाम यहाँ बैठी रहती हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है नारेबाजी की जा रही है, जो महिलाएं हैं वो यहां पर नारेबाजी कर रही हैं। जिस तरह से जो शाहीन बाग को लेकर जो दिल्ली का शाहीन बाग है उसी की तरह जो है यहां पर शाहीन बाग का जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से अब शाहीन बाग जो दिल्ली का शाहीन बाग है उसको लेकर जो है तरह तरह की जो है चर्चाएँ हो रही हैं। उसे पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है और वहाँ महिलाओं पर आरोप लग रहा है, 500 रुपये लेकर बैठने का आरोप लग रहा है। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए जो है महिलाएं जो है अपने हक की लड़ाई के लिए CAA NRC NPR के खिलाफ जो है वो शाहीन बाग में अभी भी जो है वहां पर डटी हुई हैं। और उन्हीं महिलाओं से प्रेरणा लेकर जो है यहां अभी तमाम महिलाएं जो है यहां पर नारेबाजी कर रही हैं और सरकार के खिलाफ जो है यहां पर भी नारेबाजी कर रही हैं। आज इस प्रोटेस्ट का जो है 10वां दिन यहाँ हो चुका है, 10 दिन इस प्रोटेस्ट को हो चुके हैं और ये महिलाएं जो है इसी तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। और आज मुंबई पुलिस के रिटायर ACP शमशेर पठान जो है यहाँ पर आए थे, महिलाओं से जो है उन्होंने बात की और महिलाओं को जो है इस कानून के बारे में जानकारी दी। जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार पर भी शमशेर पठान ने तीखा हमला किया। उन्होंने इस कानून को लेकर विदेशों में भी मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है मोदी सरकार इस कानून को लेकर जो है पीछे हटने को राजी नहीं है। हमने जो है शमशेर पठान से भी जो है यहाँ पर बात की है। सर, आज जिस तरह से यहाँ पर आप आए हैं शाहीन बाग के तर्ज पर यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर हौसला अफजाई के लिए क्या चाहिए? नहीं, देखिए आज जो देश है ये बहुत खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। अरे, दो गुंडे हैं जो देश को चला रहे हैं, गुंडागिरी मचा दी पूरी उन्होंने, पूरी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। उनके बोलने में नफरत, उनकी आँखों में नफरत, उनके एक्शन में नफरत, ये हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रहे हैं। जबकि ये मुल्क है, ये सेकुलर मुल्क है और यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई है। इन तमाम लोगों ने मिल के आज़ादी हासिल की, ये इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं था, ये जो जिस विचारधारा के RSS के विचारधारा के, ये लोगों ने अंग्रेज़ों की गुलामी की, इन लोगों ने अंग्रेज़ों की मुखबरी की। ये वे लोग हैं जो हमको सिखा रहे हैं कि मुल्क कैसे चलाया जाए। तो ये जो मनोवादी लोग हैं इनका एक ही है कि बस हम श्रेष्ठ। ये 3% लोग हैं जो RSS के विचारधारा वाले हैं, 3% लोग जो चाहते हैं कि देश उनकी मर्जी से चले और 97% उनकी गुलामी करे। और उनके उनके सामने मुसलमान, दलित, OBC, NT ये एकदम धुतकारे हुए लोग, गुलाम, ये वो चला रहे और ये हम चलने देंगे नहीं। सर, शाहीन बाग की तर्ज पर देखा जा रहा है पूरे भारत में जो है उसके तर्ज पर अब विरोध प्रदर्शन खास करके महिलाएं कर रही हैं। बिल्कुल। और उसी शाहीन बाग पर जो है बयान आता है कि ऐसा जो है आप बटन दबाएं कि जो है ये करंट जो है शाहीन बाग तक। क्या बटन दबाया? वो मोदी को समझ रहा है, अभी घबरा हुआ है पूरा। अभी आपको बता दूं मैं अभी कि यूरोपियन पार्लियामेंट, जिसमें 28 बड़ी बड़ी कंट्री है, यूरोपियन पार्लियामेंट 28 बड़े बड़े मुल्क है, उन मुल्कों ने इस CA को और कश्मीर इशू को निंदा की है और उन्होंने वहाँ पर ठहराव पारित किया है कि इंडिया ने जो किया है वो गलत किया है। आज 28 बड़ी बड़ी कंट्री कह रही है, किसका मतलब है कहीं तो भी रॉन्ग हो गए ये सब, और ये चीज़ को रोकना ज़रूरी कहने की था। ट्रिपल तलाक का मुद्दा लेके आया, क्या जरूरत थी लाने की उनको? ये मुस्लिम का आपसे अंदर का मुद्दा था, वो ला के उन्होंने पास करा दिए। ठीक है, राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर का फैसला आ गया, राम मंदिर का नाम किधर नहीं है? तो देखा भाई, राम मंदिर का नाम किधर है? बनने की कोशिश कुछ नहीं हो रही है। उनको सिर्फ खाली एक हवा खड़ा करना था, एक दहशत खड़ी करने के थे, वो हो गया। कश्मीर को जाके उन्होंने वो जाके पूरे के पूरे मिलिट्री भेज के पूरा बंधक बना दिया कश्मीर वालों को, पूरे जाके वो ख़त्म हो गया। अभी CA लेके आ गए, CA में क्या किए? मुसलमान को नहीं सिटीजनशिप दी, बाकी लोगों को सिटीजनशिप दी जाएंगी। अरे, हमारे संविधान में धर्म के नाम पे कुछ दिया नहीं जाता है, जो भी कानून पारित होगा वो सबके लिए बराबर पारित होगा, लेकिन उन्होंने
संविधान का गला घोटा, और ये चीज़ सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को, 97% लोगों को पसंद नहीं आई। और आज जो रस्ते पे लोग उतरे हैं, ये तमाम लोग सिर्फ मुसलमान नहीं है, ये हर कौम का आदमी उठा है, हर भारत का आदमी उठा है। और अभी दोनों ये लंगा बिल्ला जो है ना, ये पागल हो गए। अभी कहो मोदी को बोलना अभी जाइए फॉरेन ट्रिप कीजिए, बैठे दुम दबा के बैठे हुए जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर जूते खाएंगे। वापस जाके जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है, जो एक जातिवाद की पॉलिसी बनाई है, पूरे दुनिया में रुसवा हो रहे हैं, पूरे हर दुनिया के हर शहर में इनके खिलाफ में एजिटेशन हो रहे हैं। और यहाँ का एजिटेशन जो हो रहा है, इसकी गूंज मोदी तक की ज़रूर गई है। जिस तरह से शाहीन बाग को जो है पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है, और जूते मारने की बात कही जा रही है, 500 रुपये लेकर जो है महिलाओं को बैठने का आरोप लगाया जा रहा है, वो देखो ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे जो कहते हैं ना जिसको, ये वो मामला है। ये अब कुछ मिलता नहीं है तो 500 वाली बात कर दो, कुछ मिलता नहीं तो पाकिस्तान से जोड़ दो। पाकिस्तान की बात कौन को कर कौन रहा है भाई, और सिर्फ मुसलमान नहीं बैठे इसमें। आज पूरे अभी कल पूरे बड़े पैमाने पे कल ह्यूमन चेन बना रहे हैं यशवंत सिन्हा, तमाम धर्मों के लोग उसमें है। पाकिस्तान का संबंध, पाकिस्तान का नाम तो हम लेते भी नहीं है उसके अंदर, क्या संबंध है पाकिस्तान का इससे। लेकिन ज़बरदस्ती पाकिस्तानी पाकिस्तानी बोल के हम लोग को बोलते हैं, लेकिन हमने डिस्टर्ब होना नहीं है। ये मामला पाकिस्तान का मामला नहीं है, किसी का नहीं मामला, ये मामला हमारा है, भारत का है, भारतवासियों का है, हमारे संविधान बचाने के लिए। आज जो लोग जमा है सिर्फ संविधान बचाने के लिए जमा है। संविधान अगर ख़त्म हो गया, ये देश में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये देश में आग लग जाएंगी, और हमें वो होने देना नहीं है। ये दो गुंडे देश को धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं, खून खराबा करना चाहते हैं, सिविल वॉर कराना चाहते हैं, गृह युद्ध कराना चाहते हैं, जो हमारे हिंदू भाई कभी करेंगे नहीं, ना मुसलमान भाई करेगा। अब इनके दिन भर गए हैं, और इंशाल्लाह ताला इनको पब्लिक दौड़ा दौड़ा के मारेगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।